तेलंगाना करीमनगर सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। बंगाल में झंडा फहराने पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। अवेसी ने फेसबुक पर किया सवाल, बोले हो गया बीजेपी के रिश्तों का खुलासा। पीएम मोदी को छोड़ के हर किसी को सेना पर विश्वास, बोले राहुल गांधी। ईडी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज 52वां जन्मदिन है। भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान को मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। विल्डन का ऐलान, हम जीते तो चेतावनी में भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। उत्तर प्रदेश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, नाबालिग लड़की का मिला शव। पुलिस ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है। माता वैष्णो देवी मंदिर 4 महीने बाद भक्तों के लिए फिर से खुला। ओडिशा में छिलीखामा और गोलाबांधा गांव में विवाद को लेकर 2 लोगों में झड़प, 15 से अधिक घायल। उड़ीसा में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने पर नाबालिग लड़की की मौत। बिग ओलिव एडिटर देवेन मिश्रा अब नहीं रहे। उड़ीसा के बालासोर में पार्टी में गए, आने के बाद 35 बीमार। 98 साल रिटायर वॉर्ड दिग्ज कोविड-19 से हुए ठीक। गोवा में रवे पार्टी का भांडाफोड़ हुआ, जिसमें 3 विदेशी शामिल थे। एक महिला का शव आज गंजाम जिले के हरिदापाड़ा गांव में मंदिर परिसर के अंदर पाया गया। वार को सोने की कीमत भुवनेश्वर में मार्जिनल से कम हो जाएगी। ट्रंप के भाई का निधन, बिजनेसमैन थे।